हेलो दोस्तों, आप लोग के ऑनलाइन जॉब प्रोसेस में स्वागत है। मैं सतर्क कुमार आप लोग के ऑनलाइन जॉब प्रोसेस में स्वागत करते रहेंगे। आज हम कुछ मिनट में बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने काफ़ी सारे आप लोगों ने प्रतीक्षा किए हैं कि आप लोगों को जान जी पैरामेडिकल एवं पॉलिटेक्निक का फॉर्म सर कब आएगा। आप लोगों ने वीडियो पर भी कमेंट किए थे और व्हाट्सएप पर भी आप लोगों ने मैसेज किए थे। आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल का फॉर्म आ गया है। अगर आप लोग इसका फॉर्म आप लोग फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखेगा। जी आप लोग को A to Z प्रोसेस, आप लोग को A to Z प्रोसेस आप लोग को इस वीडियो में आप लोग बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ भी अपडेट आए तो आप लोग को वीडियो बनाकर आप लोग को बता सके। जैसे ही आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देख लीजिए बिहार, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। जी हाँ, यहाँ पर आने के बाद आप लोग को सबसे पहले इसका डैशबोर्ड पर आ गए हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आने के बाद आप लोग को देखा है, यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ऑफ DCEC PE PE PM PWM 2022। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप लोग को चलिए हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पर आप लोग को देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप लोग को क्लिक करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन। जी अप्लाई ऑनलाइन पर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए अप्लाई ऑनलाइन पर हम क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप लोग को जान जाए, सबसे पहले आप लोग को हम कुछ आप लोग को इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। यहाँ बनाने पर आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को कुछ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। क्या नोटिफिकेशन है वो आप लोग को इस वीडियो में आप लोग बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग को देख सकते हैं, आवेदन करने से पहले निम्नलिखित को अपने देख लीजिए निम्नलिखित को अपने हाथ में रखें। देख लीजिए की गई सर्टिफिकेट कॉपी, सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फ़ोटो 100 KB कम से, जी हाँ देख लीजिए 100 KB से कम चाहिए। हिंदी इंग्लिश आप लोग को स्कैनिंग आप लोगों को जान चाहिए, साइन चाहिए। जी हिंदी इंग्लिश आप लोगों को साइन चाहिए। सॉफ्ट कॉपी देख लीजिए 100 KB से कम में चाहिए। ये भी आधार कार्ड चाहिए, किस क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड चाहिए। आप लोग को देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप लोग को इसके द्वारा आप लोग को जान चाहिए, आप पैसा कटा सकते हैं इसमें। इसमें आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को जैसे अब इसका डैशबोर्ड पर आ जाइएगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये फॉर्म आप लोग को देख सकते हैं कि 7 स्टेप में फाइनल होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आप लोग को रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आप लोग को एजुकेशन इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आप लोग को फोटो सिग्नेचर आएगा, उसके बाद आप लोग को अप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को अप्लीकेशन प्रीव्यू आप लोग को देखा जाएगा, उसके बाद आप लोग को पेमेंट होगा, उसके बाद आप लोग को फाइनल सबमिट होगा। जैसे आप इसे क्लिक करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन पर आप लोग को जैसे क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं परीक्षा का नाम देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि DCEC 2022। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं आप लोग को, चलिए कुछ और हम बता देते हैं आप लोग वीडियो में लास्ट जो बने रहे। ये दोनों जान जी ये दोनों पॉलिटेक्निक का फॉर्म है, ये दोनों पैरामेडिकल का फॉर्म है। जी हाँ, ये दोनों पॉलिटेक्निक का फॉर्म है और ये दोनों पैरामेडिकल का, जी हाँ पैरामेडिकल का फॉर्म है, ये आप जान गए। उसके बाद आप लोग को जान जाइए आप लोग को स्टूडेंट का नाम यहाँ पर देख लीजिए, स्टूडेंट का यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जान जाइए आप लोग को कन्फर्म करने के लिए आप लोग को स्टूडेंट नेम लास्ट नेम यहाँ पर आप लोग को डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को फिर कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर आप लोगों को सत्यापन करना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर सही है या गलत है। उसके बाद आप लोग जैसे मोबाइल पर सत्यापन कोड भेजिए, आप लोग को कोड वेरीफिकेशन कोड आप लोग के अकाउंट मोबाइल नंबर पर जाएगा। उसके बाद आप लोग को ई मेल आई डी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ई मेल आई डी यहाँ पर आप लोग को डालना पड़ेगा। ई मेल आई डी डालने के बाद आप लोग को सत्यापन ई मेल आई डी डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड आप लोग को जान जाइए ऐसा होना चाहिए, आप लोग दिखाई दे रहा है कि जिसमें आप लोग को जान जाइए पासवर्ड डालने में आप लोग को सबसे बड़ी बात जान जाइए से आप लोग को जैसे आप पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा आप लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि आधार नंबर आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आप लोग को देख लीजिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पूछा गया है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो आप चाहते हैं फिलअप करना वो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सुरक्षा कोड यहाँ पर जान जाइए से आप लोगों को सुरक्षा कोड आप लोगों को जैसे आप यहाँ पर आप लोगों को टाइप कीजिएगा यहाँ पर आप लोगों को सुरक्षा जवाब यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को सुरक्षा पिन यहाँ आप लोगों को एक पिन आप लोगों को फिलअप करके आप लोगों को साइनिंग करना है।
चलिए हम ये सब फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को साइनिंग करके आप लोग को हम आगे बताते हैं। आप लोग यहाँ पर आने के बाद अभी देख सकते हैं कि फॉर्म आप लोग को फिलअप हो गया है। जी फॉर्म फिलअप हो गया है, यहाँ पर आने के बाद आप लोग को जान जाइए, जैसे आप यहाँ पर आप लोग को A to Z फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग को साइन अप पर आप लोगों को क्लिक करना है। जी आप लोग को साइनिंग अप पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप साइनिंग अप पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को हो गया है रजिस्ट्रेशन, देख लीजिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। जी आप लोग को शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, चलिए हम साइनिंग पर आप लोगों को क्लिक करते हैं। जैसे आप साइनिंग पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को ईमेल आईडी और जो आप लोग पासवर्ड बनाए होंगे वही पासवर्ड फिलअप करके आप लोग को आगे आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। चलिए हम ओला पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आप लोग को दिखाई दे, यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है, जैसे पासवर्ड डाल के आप लोग को लॉग इन होइएगा तो आप लोग को जान जैसे लॉग इन हो गए। जी लॉग इन हो गया आप, वहाँ पर आप लोग को 3 कोड्स आप लोग को शो हो रहा है। 3 कोड्स शो होने के बाद आप लोग को चलिए हम आगे कुछ आप लोग को बताया था इसके बारे में, इसका मैं आप लोग को जान जाइए सब फोटो, इसमें आप लोग जान जाइए फोटो पर आप लोग को नाम लिखा हुआ चाहिए और इसका फोटो पर भी डेट लिखा होना चाहिए। और जान जाइए से यहाँ पर आने के बाद आप लोग को फिर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को से इसका आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट आप लोग को 15/5/2022 से स्टार्ट डेट है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट यहाँ पर आप लोग को 7/6/2022 11:59 तक आप लोग को रखा गया है। जी उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर ले अगर आप लोग फिलअप करना चाहते हैं तो। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को फादर्स नेम डालना पड़ेगा, इसमें फादर्स नेम, इसमें आप लोग को मदर्स नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को जेंडर मेल फीमेल क्या है, और यहाँ पर आप लोग को लिंक, यहाँ पर आप लोग को लिंक मेल फीमेल आप लोग को कन्फर्म आप लोग को यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जैसे कि आप बिहार के निवासी हैं, निवासी होंगे तो यस कीजिएगा। निवासी यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि अपने आवासीय योग्यता का चयन करें, यहाँ पर आपको देख सकते हैं माता पिता पति पत्नी बिहार के निवासी मूल पर निवास है तो यहाँ पर आप लोग को इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप लोग कौन कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर जान जी से अगर आप लोग देख सकते हैं कि UR से आते हैं, ST से आते हैं, SC से आते हैं, EBC से आते हैं, BC से आते हैं, UR से आते हैं या EWS से आते हैं। उसके बाद आप लोग को जान जी से आप लोग को पुष्टि करना पड़ेगा ये भी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके परिवार में पिता माता वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप लोग को 8 लाख से कम है तो आप लोग यस कीजिएगा, अगर आप लोग को 8 लाख से ज़्यादा है तो आप लोग को नो करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को 8 लाख से काफ़ी सारे लोगों को कम है, यहाँ पर आप लोग यस करना पड़ेगा। यदि आप देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को, यदि आप एक DQ लाभार्थी है तो आप विकलांगता कोटि सीट के लिए दावा कर सकते हैं, अगर आप लोग विकलांग है तो यस कीजिएगा नहीं तो आप नो कीजिएगा, चलिए हम नो ही रखते हैं। क्या आप सर्विस मैन कोटा से आते हैं, यहाँ पर आप लोग को नो कर देना है इसको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अवस्थित होने के संस्था जिला में नाम, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं जिला में नाम, आप लोग को जिला, आप लोग को जिला यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चलिए हम जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। जिला सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को पहचान चिन्ह आप लोग को कुछ ना कुछ आप लोग को पहचान चिन्ह देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को स्थायी पता आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोग को एड्रेस में आप लोग को जान जाइए विलेज मोहल्ला पोस्ट पुलिस स्टेशन बिहार यहाँ पर लोग सेलेक्ट है, यहाँ पर आपको जिस डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को पिन कोड चूज करना पड़ेगा, और आप लोग को दोनों सेम है देख लीजिए कि आप लोग को जान जाइए से परमानेंट एड्रेस, और आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को दोनों सेम है तो आप लोग को सेम एंड पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा, उसको आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम ये सब फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हम आगे आप लोग को बताते हैं। आप लोग को जान जाइए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप ये सब फिलअप कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जान जाइए से थर्ड, यहाँ पर आप लोग को थर्ड, यहाँ पर आपको जान जाइए से थर्ड में आप आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग को एजुकेशनल आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को जान जाइए लेवल में आप लोग देख सकते हैं कि 10th में आप लोग को जान जाइए ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कॉलेज, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको चूज करना है, उसके बाद आप लोग कौन बोर्ड से आप पास किए हैं, जिसमें आप लोग को बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड, यहाँ पर आप लोग को अदर बोर्ड है तो यहाँ पर अदर कह कर आप लोग इसका नाम दे सकते हैं। चलिए हम बिहार बोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप लोग को पास्ट है या अपेयरिंग है वो फिलअप कर लेना है, उसके बाद आप लोग को पासिंग है, उसके बाद आप लोग को परसेंटेज टाइप में, उसके बाद आप लोग को मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, और आप लोग को परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अगर आप लोग को परसेंटेज होगा तो परसेंटेज में, अगर आप लोग CBSE बैंक वाले होंगे तो CGPA में आप लोग को देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं CCKD, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट 10th में आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा, आप 10th कौन कॉलेज से आप किए हैं वो आप लोग सबसे पहले वो फिलअप करिए। चलिए हम ये सब फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हम आगे बताते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को देख सकते हैं कि 10th में आप लोग को फिलअप करने के बाद उसके बाद आप लोग 12th में आते हैं। जी IAS
10+2 में आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं। अगर आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप लोग को इसमें क्लिक करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों है, तीनों चारों है, तो आप लोग को ये सब फिलअप कर लेना है। चलिए हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब है, उसके बाद आप लोग को कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। चलिए हम कॉलेज का यहाँ पर आप लोग को नाम डाल देते हैं। चलिए आप लोग अपना कॉलेज का नाम टाइप कीजिएगा, इन्हें के यही पर से आप लोग को देख कर अपना ही फिलअप कर लीजिएगा। इस पर आने के बाद आप लोग को बोर्ड, यहाँ पर आप लोग को बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को अगर आप लोग पास्ट है या अपेयरिंग है वो फिलअप कर लेना, हम पास्ट है और 2021 में हम पास किए हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोग परसेंटेज पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को मार्क्स आप लोगों को फिलअप कर लेना है। चलिए हम मार्क्स फिलअप कर लेते हैं। चलिए मार्क्स फिलअप करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि जैसे हम मार्क्स फिलअप करिएगा ऑटोमेटिक आप लोग को परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। जी अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, जिसमें आप लोग को फोटो में आप लोग को बताए हैं कि आप लोग को कैसे फिलअप कर लेना है फोटो। यहाँ पर आप लोग को चलिए हम फोटो फिलअप कर लेते हैं। अगर हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता रहे हैं, अभी आप लोगों में फिर हम आप लोग को फिलअप नहीं करेंगे A to Z। जी आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता रहे हैं, हम फिर इसे हम बाद में मॉडिफाई कर लेंगे अपना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फोटो यहाँ पर आप लोग को अपलोड करना हो, अपलोड फोटो यहाँ पर आप लोग अपलोड हो गया है। उसके बाद आप लोग को अंग्रेजी साइन यानी इंग्लिश साइन और हिंदी साइन आप लोग को फिलअप कर लेना है। चलिए हम अंग्रेजी साइन आप लोग को देख सकते हैं कि इंग्लिश सिग्नेचर एंड हिंदी सिग्नेचर हम फिलअप कर लेते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल में चलिए यहाँ पर आप लोग को ये सब फिलअप कर लेते हैं। ये सब फिलअप करने के बाद आप लोग को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आप लोग को प्रीव्यू यहाँ पर आप लोग को शो हो जाएगा। जी प्रीव्यू यहाँ पर आप लोग को शो हो जाएगा, आप लोग को नाम A to Z, आप लोग को हिंदी इंग्लिश, आप लोग को साइन A to Z आ गया है। ये सब आप लोग को मिलाने के बाद आप लोग को अगर आप लोग ये सब मॉडिफाई करना चाहते हो तो बैक टू एडिट कर सकते हैं। अगर आप लोग को पेमेंट करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आप लोग क्लिक करना है। आप लोग जान जैसे आप लोग A to Z फॉर्म आप लोग मिला लीजिए। जी आप लोग को अच्छा रहता है कि आप लोग फॉर्म को आप लोग मिलाकर आप लोग फिलअप करिए। उसके बाद आप लोग को सही है तो उसके बाद आप लोग को आई एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर आप लोग को क्लिक करना है तो आप लोग को देख सकते हैं कि 950 आप लोग का अमाउंट कटेगा, जिसमें आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं क्लिक हेयर टू पे, इसमें आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग को देख सकते हैं A to Z प्रोसेस 950 रुपये कटेगा, जिसमें आप लोग को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा आप करा सकते हैं। जी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को फॉर्म आप लोग को कैसे कैसे फिलअप कर लेना है। आप लोग को A to Z प्रोसेस आप लोग को हम बता दिए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखे होंगे, आप लोग को सम उम्मीद करते हैं आप लोग चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ आज का वीडियो में आप लोग बता दें, अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है तो आप हमारे वीडियो के नीचे जोर से जोर कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। जी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को आप लोग ज्वाइन नहीं किया तो इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना वर्ष में सरकार नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।